हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेंटोमोग्राम के बारे में। अब ऑर्थोपेंटोमोग्राम एक्चुअली चार वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्थो, पेन, टोमो एंड ग्राम। ऑर्थो का मतलब होता है टू अलाइन, मींस हम इस कर्व्ड स्ट्रक्चर को एक अलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। अलाइन हमारा जो रेडियोग्राफ होगा उसमें ये कर्व स्ट्रक्चर एक सिंगल लाइन में होगे, हमारी इमेज एक सिंगल अलाइनमेंट में होगी। जैसे हमें पता है ऑर्थोडोंटिक्स या ऑर्थोपेडिक, जिसमें हम टूथ की अरेंजमेंट एक प्रॉपर अलाइनमेंट में करते हैं। सो ये ऑर्थो। पैन का मतलब होता है वाइड व्यू, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को हम इस वाइड व्यू में देखेंगे। तो हमारा जो रेडियोग्राफ होगा हमें एक वाइड व्यू प्रोवाइड करेगा। थर्ड है टोमी। टोमी मीन्स टू स्लाइस। अब जो इमेज हम क्रिएट करेंगे वो डायरेक्टली सिंगल फोकस से नहीं लेंगे, हम बहुत सारी इमेजेस लेंगे जो कि स्लाइस में होंगी। बहुत सारी स्लाइस हम प्रोड्यूस करेंगे इमेज की, और इन सब स्लाइसेस को हम जॉइन कर देंगे और एक बड़ा इमेज हमें मिलेगा। सो ऑर्थो, पेन, टोमो एंड ग्राम और ग्राफी इज टू रिकॉर्ड और टू राइट। तो हमारा जो ऑर्थोपेंटोमोग्राम है वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर को एक सिंगल रेडियोग्राफ में कन्वर्ट कर देगा, जहां ऑल द टीथ, ऑल द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और एल्वियोलर बोन का लेवल सभी सिर्फ एक सिंगल रेडियोग्राफ में रिकॉर्ड होंगे, इसलिए हम इसे ऑर्थोपेंटोमोग्राम कहते हैं। अब कैसे हम ये यू शेप स्ट्रक्चर को एक सिंगल स्ट्रेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैसे इस टाइप की इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं? अब सिंपल, अगर हम यहाँ से एक्सपोज करें मैंडिबल को, तो सिर्फ यही टीथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है रेज की, सो सिर्फ मैंडिबुलर एंटीरियर्स ही यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। ये पोस्टीरियर टीथ, उसकी ओवरलैप इमेज आएगी। सो हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि सभी जगह पे जो एक्सरेज की डायरेक्शन है वो टीथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यही हमारे बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे जो रेडियोग्राफिक सोर्स है वो जो रेज प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और फिल्म भी रेज के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम ये कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इस टाइप की इमेज को? हमारे पास जो सोर्स है और फिल्म है वो इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो हम एक्सरे सोर्स को इनसाइड द ओरल कैविटी रख के आउटसाइड हम फिल्म रखें, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि आउटसाइड द ओरल कैविटी हम एक्सरे सोर्स को रखें और इनसाइड द ओरल कैविटी हम रिसेप्टर को रखें, और जो ये हमारा एक्सरे सोर्स है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा आउट ऑफ द ओरल कैविटी, कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर रेज हम एक्सपोज करेंगे टीथ को, जिससे एक क्लियर इमेज हम प्रोड्यूस कर पाए। और एक्चुअली यही टेक्निक थी न्यूमेटा की। न्यूमेटा ने सबसे पहले 1933 में ऑर्थोपेंटोमोग्राम दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक सिंगल फिल्म को इनसाइड द ओरल कैविटी रख के एक्सपोजर देके एक सिंगल रेडियोग्राफ में ऑल दी टीथ को रिकॉर्ड किया था। सो पटेरो और न्यूमेटा ने सबसे पहले ऑर्थोपेंटोमोग्राम का कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा एक थर्ड टेक्निक भी है जो हम अभी यूज करते हैं। इसमें हम इमेज सोर्स को और रिसेप्टर को, दोनों को आउटसाइड ऑफ द ओरल कैविटी रखते हैं। अब इस टेक्निक में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सोर्स आउटसाइड है, लेकिन जो ये हमारी फिल्म है उसकी साइज लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी में बड़ी लार्ज फिल्म हम नहीं रख सकते। जैसे कि आज हमारा ऑर्थोपेंटोमोग्राम होता है OPG लार्ज साइज़ का होता है, उतना साइज़ का हम रेडियोग्राफ अंदर नहीं रख सकते। तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो आउटसाइड द ओरल कैविटी हमारे पास फिल्म भी हो और सोर्स भी हो।
जो दोनों आउटसाइड हो तो हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड टेक्निक हो सकती है जो हम आज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा सोर्स है, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है। अब हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ द, हमें पता है रेडियोग्राफ के कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से फिल्म का डिस्टेंस एज लेस एज पॉसिबल हो। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू सोर्स, ये जो डिस्टेंस है वो एज मच एज पॉसिबल होना चाहिए, जिसे पर्टिकुलर जो ये स्ट्रक्चर है यही रिकॉर्ड होंगे हमारी फिल्म पे। तो ये जो एरिया जिसमें ऑल दी स्ट्रक्चर जो अंदर है वो रिकॉर्ड होंगे, इस एरिया को हम फोकल ट्रफ या इमेज लेयर बोलेंगे। तो इमेज लेयर एक ऐसा इमेजिनरी एरिया है जिसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स लाए करते हैं वो सारे प्रॉपरली रिकॉर्ड होंगे हमारी फिल्म पे और ये हमें एक क्लियर इमेज देंगे। सो ये फोकल ट्रफ है। सो फोकल ट्रफ इज एन इमेजिनरी थ्री डायमेंशनल एरिया, स्ट्रक्चर्स लाइंग विद इन विच विल प्रोड्यूस प्रॉपर एक्सेप्टेबल डायग्नोस्टिक इमेज। ओके, तो अब हमें ये अरेंजमेंट पता चल गई है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो ये रिसेप्टर और एक्सरे सोर्स मूव करेंगे, अब ये अरेंजमेंट है, इससे थर्ड मोलर हमारा रिकॉर्ड होगा, उसकी एक सिर्फ स्लाइस रिकॉर्ड होगी। इसके बाद हमारा रिसेप्टर बैक मूव करेगा और ये जो स्लाइस है ये हमारी पीछे जाएगी। अब जो हमारा ये सोर्स है वो एक थीन स्लिट प्रोड्यूस करेगा एक्सरेज की, और ये सिर्फ इतने एरिया को एक्सपोज करेगा और ये इतना ही एरिया यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब जैसे ही ये रिकॉर्ड हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको मूव करें नेक्स्ट एरिया के लिए, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइस होगी। उसके लिए हमें इस सोर्स को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, जिससे ये यहाँ पे आएगा, ये हमारा जो इमेज कैरियर है उसको हम आगे शिफ्ट करेंगे, प्लस ये जो हमारी फिल्म है उस पर ऑलरेडी एक इमेज रिकॉर्ड हो चुकी है, तो हमारी फिल्म बैकवर्ड मूव करेगी और एक न्यू एरिया प्रोवाइड करेगी जहाँ पे नेक्स्ट इमेज प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो हमारी जो मूवमेंट टोटल असेंबली की होगी वो अराउंड द हेड एक सर्कुलर मोशन में होगी, लेकिन जो हमारी फिल्म है वो इस कैरियर के ऑपोजिट साइड भी कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी से मूव होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये फिल्म के ऊपर टोटल इमेज प्रोड्यूस हो पाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये कैसेट है हमारी, कैसेट कैरियर जिसमें हमारी कैसेट होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल है ओपीजी का। ओपीजी का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि रेसिप्रोकल मूवमेंट ऑफ द एक्सरे सोर्स एंड इमेज रिसेप्टर इन सर्कुलर मोशन अराउंड द सेंटर लाइंग इन द ऑन द हेड ऑफ आवर पेशेंट विल प्रोड्यूस ए डायग्नोस्टिक इमेज। ओके, तो हमारे पास एक इमेज सोर्स और रिसेप्टर है, सर्कुलर मोशन में रेसिप्रोकल मूवमेंट होनी चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोनों इक्वल वेलोसिटी से लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है ओपीजी का। सो ये हमारा ओपीजी का प्रिंसिपल है, जिसमें डायग्रामेटिकली हमने ये डिस्क्राइब किया है कि ये सोर्स ऑफ एक्सरेज और जो इमेज कैरियर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे, और अंदर जो हमारी एक्सरे फिल्म है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये जो एक्सरे की बीम है वो एक पतली स्लिट के फॉर्म में होगी, जिससे सिर्फ इतना ही एरिया रिकॉर्ड होगा। बाद में ये कैरियर आगे मूव होगा, ये सोर्स पीछे मूव होगा, जिससे नेक्स्ट एरिया की सिर्फ इतनी स्लाइस यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, लेकिन रिकॉर्ड होने के लिए ये इमेज कैरियर में जो
हमारी फिल्म है वो मुंह पीछे करनी चाहिए, इससे यहाँ पे क्लियर एरिया क्रिएट होगा जिस पर ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है रेसिप्रोकल मूवमेंट, रेसिप्रोकल मूवमेंट ऑफ एक्सरे सोर्स एंड इमेज रिसेप्टर अराउंड द सर्कुलर पाथ हैविंग द एक्सिस ओवर द हेड ऑफ द पेशेंट विद सेम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन विल प्रोड्यूस डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल इमेज। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास ये इमेज आएगी। अब देख सकते हैं कि स्लाइसिस हमने कट की है, सोप्टोमी का मतलब ये है हमने स्लाइस में इमेजेस बनाई है। तो हमारे पास तीन टाइप की इमेजेस होगी, फर्स्ट है रियल इमेजेस, सेकंड है डबल बट रियल इमेजेस, पहली सिंगल रियल इमेज, दूसरी डबल रियल इमेज और तीसरी होती है घोस्ट इमेज। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगल रियल इमेजेस। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है जो फोकल ट्रफ के अंदर थे वो सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ एक बार ही एक्सपोज होंगे, जैसे यहाँ पे से स्टार्ट हुआ हमारा एक्सरे सोर्स मूव करना, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है। सो ये बीम हम इसे अगर ड्रॉ करें तो यहां से हमने ये हमारा लेफ्ट साइड है, यहां से हमने ड्रॉ किया स्टार्टिंग, ये यहां से हुई ठीक है। तो ये हमारे वर्टिब्रा है, बाद में यहां से कोंडाइल शुरू हुआ ठीक है। अब एक्सरे सोर्स यहां पे मूव करके पहुंचा है ठीक है। अब यहां से हमारे पास मोलर तक का एरिया रिकॉर्ड हो चुका है। सो यहां से हमने कोरोनोइड प्रोसेस और ये मोलर्स रिकॉर्ड किए। सिमिलरली ये मूव करके यहां तक आ गए तो हमने यहां तक के सारे टीथ रिकॉर्ड कर लिए क्योंकि हमारा रिसेप्टर अब यहां पे होगा। तो हमने इंसाइजर्स तक जो पूरे टीथ थे वो रिकॉर्ड कर लिए हैं ठीक है। सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी हमने रिकॉर्ड किए हैं। अब सिमिलरली ये इस तरफ हमारा सोर्स अब यहाँ पे पहुँचा है। सो यहाँ से अब यहाँ पे हमारी फिल्म होगी जो यहाँ पे मोलर्स को हम फिर से यहाँ तक मोलर्स तक पहुँच गए ठीक है। और फिर भी यहाँ घूम के जब यहां तक आए तो फिर से हमने ये वर्टेब्रा को दूसरी बार रिकॉर्ड कर दिया। तो यहां पे हमारी वर्टिब्री रिकॉर्ड हो गई। सो आप देख सकते हैं कि सिंगल जो स्ट्रक्चर्स मिडलाइन में है वो भी हमारे रिकॉर्ड हो रहे दो टाइम पे ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रियल इमेज प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ट्वाइस दो टाइम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे इमेजेस को रियल बट डबल इमेजेस बोलते हैं। सो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो मिडलाइन में होगा जो दो बार एक्सपोज होगा इससे और इससे वो हमेशा डबल इमेज देंगे, जैसे वर्टिब्री, जैसे हमारा हायोइड बोन ठीक है। हायोइड बोन भी हमारा दो बार इमेज प्रोड्यूस करेगा जबकि ये एरिया जो सिंगल बार एक्सपोज होता है, यहां पे जितने सारे स्ट्रक्चर्स है वो सब सिंगल इमेज प्रोड्यूस करेंगे।